हेलो एवरीवन, मैं कृतिका, मैं आपका स्वागत करती हूँ न्यूज़ मीडिया 47 के बुक रिव्यू के एपिसोड 3 में। आज हम जिस बुक का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका टाइटल है सुंदई। इसके ऑथर है पायल कुमार, जो कि पहले एक एचआर प्रोफेशनल थी, अब उन्होंने अपना करियर फुल टाइम राइटिंग में शुरू करा है। तो ये उनकी पहली किताब है। ये किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए मैं आपको बताऊँगी, बट पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इस किताब की स्पेशलिटी क्या है। आप में से कितने लोग हैं जो ऐसी किताबें पढ़ते हैं जो कि रियल इशू को डिस्कस करता है? ऐसी बहुत सी किताबें, ये उनमें से एक है जो कि एक फिक्शन है बट एक रियल इशू पे बेस्ड है। एक कहानी जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू के साथ है, विडो कल्चर, जो कि हमें लगता है ख़त्म हो चुका है बट ख़त्म नहीं हुआ है। 2% भी अगर विडो कल्चर है तो वो गलत है, उसे भी ख़त्म हो जाना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर गलत 2% भी है सोसाइटी में तो उसे ख़त्म हो जाना चाहिए। ये बुक आपको एक फील देगी इस चीज़ की कि इसे ख़त्म होना कितना ज़रूरी है। एंड अब मैं बताऊंगी कि ये बुक क्यों पढ़ें आप लोग। ये बुक उन सभी फर्स्ट टाइम रीडर्स के लिए बहुत अच्छी है जो चाहते हैं अपना इंटरेस्ट बुक रीडिंग में डेवलप करना। लोग आजकल किताबें उतनी ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहते क्योंकि हर चीज़ का एक शॉर्ट मेथड अपलो है हमारे पास, एक मूवी है, एक डॉक्यूमेंट्री है, बट एक किताब को पढ़ने की फील अलग है। उसको जब आप पढ़ेंगे तो आप मूवीज़ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किताब में कितना कुछ है और मूवीज़ में बस इतना सा ही है। सो इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि आप बुक पढ़ें, और अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं और आपको अपना इंटरेस्ट डेवलप करना है तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट किताब है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम सब चाहते हैं कि हम ऐसी किताब पढ़ें कि जिसमें लैंग्वेज बहुत ही ईजी हो, वोकैबुलरी ज़्यादा मुश्किल ना हो, तो बुक बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर्स में पूरी कहानी लिखी गई है, कि ऐसा नहीं कि एक चैप्टर बहुत ही लंबा है, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं और कहानी कंटिन्यू की गई है। बहुत ही बेस्ट बात है ये किताब की। सेकंड, ये किताब बहुत ही मेन इशू को डिस्कस करता है, बहुत ही अच्छे से लिखी गई फिक्शन है, फिक्शनल जो कहानी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब मैं इस बुक का आपको समरी बता दूँ कि ये बुक आपको क्यों पढ़नी चाहिए। समरी क्या है इस किताब की? ये किताब है सुंदई, जो टाइटल है वही इसका मेन करेक्टर है। सुंदई इज अ वुमन जिसकी कहानी है द विडो, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो सुंदई है। सुंदई उस लड़की का, उस वुमेन का नाम है। जब उनकी शादी नहीं हुई होती है तो वो बहुत ही फेरी टेल दुनिया में थी, अपने मैजिकल दुनिया में, क्योंकि वो काफ़ी खूबसूरत है। सुंदई काफ़ी खूबसूरत है। किताब में जब आप पढ़ेंगे तो आपको फील होगा कि उनकी खूबसूरती को कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। बट द स्टोरी स्टार्ट जब उनकी शादी उनके बड़ी बहन की पति से कर दी जाती है, जब उनकी बड़ी बहन की डेथ हो जाती है। एंड आफ्टर द फर्स्ट नाइट जब वो घर आती हैं, उनके पति का डेथ हो जाता है। फिर वो एक विधवा चुकी है, एक दिन की शादी के बाद वो विधवा है, और उनके पति के डेथ का रीज़न भी वही है अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू द फैमिली। तो उनको एक छोटे से कमरे में रख दिया जाता है, शी इज़ मोर लाइक अ मेड, उनको अपने घर का नौकर बना के रख दिया जाता है। खाना बनाओ, सारा काम करो, सुंदई इज़ मोर लाइक अ मेड। बट वन डे सुंदई कुछ ऐसा कर देती हैं कि सारी फैमिली सोचती है कि इनको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाया जा सकता है। तो स्टोरी में धीरे धीरे चल रही है, छोटे छोटे चैप्टर्स में आपको पता चलेगा, छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस करी जाएंगी। हर कैरेक्टर को डिस्कस किया गया है कि सुंदई ने सबके कैरेक्टर में कैसे कैसे अपना हल्का हल्का योगदान दिया सबकी ज़िंदगी को अच्छा करने में। तो ये किताब बहुत ही ब्यूटिफुली लिखी गई है। मुझे किताब की सबसे अच्छी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये लगी कि किताब में एक पेड़ बहुत ही मेन रोल लगता है, उसके आम के पेड़ का बहुत ही मेन रोल लगता है। वहाँ पे सुंदई की पति का सारा क्रियाक्रम वगैरह होता है, तो वो वहीं पे अपना एक पेड़ लगा लेती हैं। एंड आफ्टर लाइक जब पूरा काम खत्म हो जाता है तो वहाँ जाके वो उस पेड़ से बात करती हैं कि वो अपने हस्बैंड से बात करिए, मतलब एक दिन की शादी हुई हस्बैंड को भी वो अपना मानती है, एंड द फैमिली वो उनको अपना नहीं मानती, पूरी सोसाइटी उनको गलत समझती है। उनके परिवार वाले जो उनका घर है, अपना घर, वो भी उनको वापस नहीं ले जाना चाहते बिकॉज ऑफ द सोसाइटी। तो ये जो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है इस बुक में काफ़ी अच्छे से डिस्कस है, और जब हम बुक को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमें इस चीज़ को खुलकर डिस्कस करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। सो मैं इस किताब को 3.5 स्टार देती हूँ 5 स्टार में से। और बुक खरीदने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पर हमने बुक की लिंक डाल रखी है, वहाँ से आपको बुक के सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, वहाँ से आप इस बुक को खरीद सकते हैं। और ऐसी और बुक रिव्यूज़ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, एंड कीप रीडिंग। थैंक यू सो मच।